हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने की तैयारी भारत ने भी शुरू कर दी है। भारत ने एटमी ताकत से लैस 6 पनडुब्बियां बनाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जिससे हिंद महासागर में चीन पर काबू रखने में मदद मिलेगी। भारत के पास फिलहाल 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं, INS चक्र और INS अरिहंत। चीन अक्सर हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों से बचने के बहाने हस्तक्षेप करता रहता है। ऐसे में भारत और अन्य देशों के लिए चीन के इस पार्टनर को जवाब देने की जरूरत है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच गठजोड़ बनाने पर जोर दिया जा रहा है। नेवी चीफ सुनील लांबा की माने तो आने वाले सालों में भारत 6 पनडुब्बियों को शामिल करेगा। देश में बनी पहली पनडुब्बी कलवरी के जल्द नौसेना में शामिल होने की खबर है, जबकि दूसरी पनडुब्बी खंडेरी का ट्रायल चल रहा है, जो अच्छा रहा है। इसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट पर तैयारियां की जा रही है। भारत विदेशी और भारतीय कंपनी के गठजोड़ से भारत में पनडुब्बी बनाएंगी और चीन को उसी के चाल में मात देगी। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।